चलाना पड़ेगा एसी एनी ब्लेटर टच के दो पोर्शन जो है वो फुल हो गए हैं। लंच पड़ रहा है एक बंदा मेरे सामने अनबिलीवेबल चीज आ रही है। Everyone, तो क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपका भाई भी एकदम ठीक है। तो आपके भाई की गुड मॉर्निंग हो गई, लेकिन मसला ये हुआ आज का दिन भी हमने एयर शो का मिस कर दिया। किस वजह से? सिर्फ अपनी सुस्ती की वजह से कि मैं सुबह नहीं उठ पाया। तो कोई बात नहीं भाई, फिर कभी आएगा वो कर लेंगे एंजॉय। लेकिन अभी आजकल थोड़ी ना नींद पूरी नहीं हो रही आपके भाई की। देख रहा कि आपके भाई कैसी नींद में हो रही है। तो खैर बॉयज, मैं रात में आया था, मैंने एक गलती कर दी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। रात में आया इतनी जल्दबाजी में कि मैंने इसका सनरूफ मूनरूफ जो है वो खुला छोड़ दिया। और मैंने अभी देखा, मैंने राफे भाई ये क्या किया है आपने, व्हाट द हेक आर यू डूइंग ब्रो। इसमें से कोई ना कोई कीड़ा ना चला गया। बस मुझे डर ये है, यहाँ पे डर यही रहता है कोई कीड़ा ना घुस गया अंदर। भाई बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भाई सबसे पहले मूनरूफ बंद कर देते हैं हम, क्योंकि अब हमें चलाना पड़ेगा एसी, क्योंकि गर्मी उरूज पे आ चुकी है भाई। गर्मियों का कोई तोड़ नहीं है, अब गर्मियों के दिन आ चुके हैं तो हमें एसी चलाना पड़ेगा। और फुल चड्डों में घुमा रहे मेरी नंगी नंगी टांगे, देख रहे आप लोग भाई कितने बदतमीज है। तो भाई अभी जा रहा हूँ मैं अम्मा का फोन ठीक कराने, क्योंकि अम्मा का जो फोन है वो बढ़ चुका है। उस दिन भी ऑन किया था, ऑन नहीं हुआ, डेटा तो ट्रांसफर कर दिया खैर। लेकिन अब चेक तो कराएं कि इसका इलाज क्या होगा भाई, इसमें मर्ज क्या हो गया, ऐसा इसका ठीक कैसे होगा। तो अभी चलते हैं मोबाइल वाले के पास, उसको दिखाते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या सीन है भाई। तो वो एक करीबी शॉप है, मैंने कल रात देखी थी वो, तो उस पर लिखा हुआ था फ्री डायग्नोस। हाँ फ्री की सिस्टम हो वहाँ जाना चाहिए बॉयज़। खैर उससे पूछते हैं कि इसका है क्या। मुझे तो इतना ख्याल है अम्मा इसकी बैटरी गई है, आपको क्या लगता है? ये इसका इशू समझ नहीं आ रहा, ये करवाना पड़ेगा। ये बैटरी गिर गई है, क्या हुआ? पुराना मोबाइल भी तो है अम्मा, कब से चला रही हैं आप? बात पुराना नहीं, मोबाइल तो इतने में न्यू आ जाएगा, या मतलब पुराने का नहीं, मतलब है डेटा का, पाकिस्तान का भी। हाँ पाकिस्तानी, पाकिस्तान का भी है, सही कह रही है भाई। तो अभी चलते हैं उससे पूछते हैं कि क्या सीन है भाई। अम्मा का मसला एक और भी तो है अम्मा, आपको आईफोन चलाना नहीं आता, वरना मैं इनको कब से कह रहा हूँ कि आईफोन ले लें अम्मा, आईफोन ले लें। नहीं एंड्रॉइड के पीछे पड़ी हुई, एंड्रॉइड ही चलाएंगे भाई। एंड्रॉइड यूजर जो होते हैं ना वो आईफोन कभी चला ही नहीं सकते, कभी अच्छा कर ही नहीं सकते भाई। अम्मा आ गए हैं अब हम, ये रही फ्री डायग्नोस। तो चेक करते हैं कि क्या फ्री डायग्नोस कर रहे हैं भाई जान, लेट्स सी। वो अम्मा इतनी खुशी से आई, माशाल्लाह आ गए, पहुंच गए, अभी खुश हो रही थी। आप टाइम देखें जरा, आज है संडे 11 to 3 PM और इस वक्त बज रहे हैं शाम के 5। मम्मा का मुंह मुंह निकल गया बॉयज, अब क्या करें अम्मा? वो वहाँ चलते हैं जहाँ सुदेम ने करवाया था लोकेशन का, वो भी संडे को इतने बजे बंद हो जाता है ये रहा, वो तो देख लेंगे। मोबाइल पे के ओपन है या क्लोज, वो तो जाते हुए देख लेते हैं हम, कोई मसला नहीं। एक और जगह है वो फिक्सेड विक्सेड के नाम से, तो वो भी चेक कर लेते हैं कि क्या है, वहाँ भी जाके देख लेते हैं भाई। तो बॉयज अब सीन ऐसा है कि यहाँ पर मैं रुका हूँ, यहाँ पे ये है हलाल एंड आउट के नाम से। तो अम्मा ने मुझे कहा कि मेरे लिए जिंगर ले लो, और मुझे यहाँ का स्मूथी बहुत पसंद है। तो गर्मी हो रही है, मैंने क्यों ना सोचा स्मूथी ले लिया जाए। तो अभी अंदर चलते हैं, स्मूथी लेते हैं और अम्मा के लिए एक जिंगर। देख लें बॉयज एनी ब्लेटर $10 सिर्फ और सिर्फ, आए और खाएं और एंजॉय करें बॉयज। हाय हाउ आर यू, कैन आई हैव वन जिंगर, वन जिंगर एंड वन स्मूथी वनीला। आपके भाई का वनीला आ गया है शेख स्मूथी। तो अब ये पीते हैं बॉयज, फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है भैया। तो बॉयज फिक्सेट आए, ये था मोबाइल का वो, मम्मा ये भी बंद है भाई, देख लें भाई। अब किस्मत अम्मा की है, अम्मा आपकी किस्मत जो है अच्छी है, खराब है, क्या हो गया भाई, अच्छी है तो इसलिए बंद है, इसलिए सारी चीजें बंद है। तो मोबाइल के शॉप बंद होने से किस्मत खराब हो गई। बताओ बॉयज, मोबाइल की शॉप बंद है तो इनकी किस्मत ही खराब हुई ना, सारी शॉपे बंद है, एक बंद हो तो बंदा समझ आए, सारी बंद है। और इंग्लिश बोलनी ऊपर से बोलनी, व्हाट नॉनसेंस, वाओ व्हाट अ नाइस शॉट, वाओ। वो जब जब अम्मा के साथ बाहर निकलो तो जरूर शॉपिंग करनी होती है अम्मा को, तो अभी आए स्टॉप एंड शॉप अम्मा को घर का सामान दिलाने के लिए। तो ये भी जरूरी है, अम्मा ने चीजें लेनी होती है हर दफा ही। माशाल्लाह ट्रॉली का साइज देखिए, शुरू होते ही खत्म हो गई अम्मा, इतनी सी ट्रॉली। ओह यस, हम जब भी आते हैं इतनी बड़ी ट्रॉली लेते हैं, और अम्मा इतनी अकलमंद है, अम्मा ने डायरेक्ट छोटी ट्रॉली ली है, क्योंकि पता है उनको जब सामान कम लेना होता है छोटी ट्रॉली काम आती है।
क्या लगता है भाई, बस ये सामान लेना था? नहीं भाई, अम्मा के साथ आए, ये पूरी फुल जब तक रहेंगे तब तक नहीं जावे हम। रोबोट घूम रहा है। अरे उधर जा। कैसे हो भाई जान? ठीक हो? वाह वेरी नाइस, जदीद दौर वही था, अमेरिका वही, देखो आराम से पोछा लगा रहा है। कि हर जगह पे ये रोबोट आ गए, कि हर जगह जाओ वो ये रोबोट साफ कर रहा था, बंदों की जरूरत ही नहीं, अब सब काम सिर्फ रोबोट कर देते हैं। मुझे लग रहा है खाना ही बनाने वाला शायद रोबोट आ गया है। मैं आपको ऑकवर्ड फील कराऊं? अरे तेरी मैं कालों करके मजाक कर रहा हूं। ट्रॉली चलाने में इतना मजा आ रहा है ना, आप ये देखो, ये आपका भाई जा रहा है अचानक कट मारा इधर से, ठीक है इधर गया। अरे फुल भाई छोटी सी ट्रॉली है, बेस्ट मजा करा रही है आपका भाई, फुल ऐसी शपाटर है ये देखो। माशाल्लाह भाई, इसके दो पोर्शन जो है वो फुल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी भी अम्मा की बस नहीं हो रही, अम्मा कह रही है और सामान लेना। ये वॉइस अम्मा कम सामान लेने आई थी, देख सकते हैं आप लोग, यही होता है देसी मॉम का चक्कर भाई। अल्हम्दुलिल्लाह वॉइस हो गया सामान, शुक्र है भाई, अम्मा ने जल्दी जल्दी सामान लिया, देख सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, ऐसा ही होता है भाई, लेने कुछ आओ ले, बहुत सारा सामान लेते हैं तो अब रखते हैं गाड़ी के अंदर। सामान ले लिया, अम्मा की सुन ली, अब सुदेम भाई की भी फरमाइश आ गई, अम्मा ये क्या आपने उसको बिगाड़ दिया, आमिर्स का बर्गर, आमिर्स का बर्गर, आमिर्स का, पाकिस्तान में उनका वो था क्या था, वो KFC खाते थे, अब यहाँ पर उनको आमिर्स के बर्गर का मुंह ऐसा लगा है कि वो अब रोजाना के बतौर हो गया है कि आमिर का बर्गर लिया, अब उनके लिए आमिर का बर्गर लेने जा रहे हैं, क्या करें। डिस्टेंस आ गया राफी। हाँ ये है, अभी तो डिस्टेंस आ गया लेकिन फिर भी सही नहीं है, मना करें उसको खाने के लिए, उसकी साइड ले रही है अम्मा, बहुत उसकी साइड लेती है, मैं ये देख रहा हूँ। खैर लेते हैं सुदेम का आमिर का बर्गर, खिला देते हैं भाई उसको। तो बॉयज पहुंच चुके आमिर, वहीं पार्क करी आपके भाई ने गाड़ी, अब दस्ती दस्ती जाए यार, दस्ती दस्ती लेके आए, टाइम बहुत हो गया बॉयज। Can I get a bun singer? Yes. Yep, that's it. Rafi. बॉयज दे दिया ऑर्डर, अब मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, अम्मा के वो देसी सारे गाने सुन रहा हूँ, टिकटॉक देख रही है अम्मा, हम आप टिकटॉक ही देखते रहे जिंदगी भर, अब कोई काम नहीं है, और काम की चीजें देखती हूँ फालतू ने, काम कर लें, काम करें आप, काम ही करूंगी इंशाल्लाह, तुम देखना। अच्छी बात है, अच्छी बात है, काम धंधे करने चाहिए था। नहीं नहीं क्यों करेंगे अम्मा, काम आ गया, हमें ना हमें बड़ा कर दिया आपने काम करने के लिए, हम कर रहे हैं काम। नहीं नहीं अपने शौक तो पूरे करूंगी। ओ अम्मा को अभी भी अपने शौक पूरे करने, अम्मा आपके बच्चे कितने बड़े हो गए, उनके शौक आ गए, आपको क्या शौक पूरे करने, अपने लिए शौक मतलब जिस चीज का मुझे शौक है वो काम करूंगी मैं। चल अच्छी बात है भाई, हम इनके शौक पूरे करा देंगे, नो टेंशन ओनली मेंशन। तो अभी सुदेम भाई का बर्गर रेडी हो जाए, जल्दी से चलें, ये धूप मुझे चुमिया दे रही है, तो इसकी चुमिया लेते हुए इंतजार करता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट सब्सक्राइब टू चैनल माय फॉलो। अरे कहना क्या चाहते हो? तो बॉय सुदेम भाई का मैंने बर्गर ले लिया है और अब मैं जा रहा हूँ घर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ भी आपका भाई छोटी मोटी अच्छी अच्छी रील डालता रहता है, देखते रहता। घर पहुँच चुका हूँ, मेरी डिग्गी तो ऐसी बनी हुई है माशाल्लाह, मेरा दूसरा घर, ये सामान है और आपके भाई के जूसेस, नो शुगर नो कैलोरीज पर आधार कोड। बॉयज अभी जो है हल्की हल्की ठंड बढ़ गई है, आपका भाई चड्डे में घूम रहा था ना, आप जाके ट्राउजर श्राउजर पहनते हैं क्योंकि अब सर्दी बढ़ गई है भाई। बॉयज मैं उसके बाद घर से बाहर निकल गया था, लेकिन अभी मेरे सामने अनबिलीवेबल चीज आ रही है, आप आसमान में रोशनी देखिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं आधे घंटे से कोई मैं ये देख रहा हूँ कि यार कहीं से तो रोशनी आ रही होगी, आप पीछे देखें बिल्कुल ब्लैक है और ये सामने देखें, ये किस चीज की लाइट है बॉयज, मैं तो अभी तक हैरान हूँ कि यार ये सीन क्या है, आसमान बिल्कुल अभी आपको शायद अब क्लियर दिखेगा, वो देखें बॉयज ये क्या सीन है बॉयज, आप मुझे बताएंगे, वो देखें अंधेरा और इधर बिल्कुल वाइट, और मैं बस इसका तो कुछ पता लगाना है बॉयज, मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है ये सीन है क्या, कुछ तो होगा यार ये बॉयज, आप इस तरफ देख रहे ना ये पूरा वाइट हुआ हुआ है, ठीक है अब आगे आपको दिखाता हूँ क्या कलर है, वो देखें आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, लाल हो रहा आसमान बॉयज, वहाँ वाइट है, यहाँ पर देखें पूरा रेड, यार बॉयज कसम से मुझे सिर्फ ये पता लगा दें कि ये सीन क्या है यार, मैं कोई सच बताऊं मैं कोई आधे घंटे से ना इस रोड पे घूम रहा हूँ और मैं यही देखे जा रहा हूँ कि यार यहाँ पर ये रेड हुआ हुआ है, यहाँ पर ये वाइट हुआ हुआ है, व्हाट द हेक इज गोइंग ब्रो, ऑफ माय गॉड, हो सकता है यार खुदा की कुदरत हो, लेकिन यार ये कोई अमेरिकन सिस्टम लग रहा है मुझे, कुछ ना कुछ तो इन्होंने चक्कर चलाया हुआ है बॉयज। सब छोड़े माशाल्लाह,
आप ये देखें, नमाज पढ़ रहा है एक बंदा बकायदा जानमाज बिछा के। यार ये देख के बड़ी खुशी होती है कि लोग ऐसे भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यार आप लोग बुराइयाँ तो देखते हैं, अच्छाइयाँ भी तो देखें कितनी हैं बॉयज़, कि बंदा मेन रोड पे मतलब फुटपाथ के ऊपर नमाज पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह भैया। तो वो यहाँ का तो कुछ सीन ऐसे ही रहेगा, कभी कुछ रहेगा कभी कुछ, तो यहाँ तो ऐसे ही चलता रहना है, कभी आसमान हरा हो जाना है, कभी लाल हो जाना है, कभी पीला हो जाना है। तो मैंने सोचा कि मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, डू सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग, अल्लाह हाफिज़।